नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे। मैं हूं मीनाक्षी ठाकुर। अंधविश्वास दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। कभी कभी तो उन्हें संस्कृति की धरोहर का एक हिस्सा मानकर अनमोल समझा जाता है, तो कभी कभी इसमें विज्ञान भी ढूंढ लिया जाता है। ऐसे ही एक घटना सामने आई है मधेपुरा के उदाकिशनगंज पंचायत की, जहाँ एक मुखिया के बेटे संजीत कुमार की मौत हो गई। परिजनों ने बच्चे को पुनः जीवित करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया, जिसके लिए एक महिला को बुलाया गया। फिर क्या था, शुरू हो गया अंधविश्वास का दौर। महिला अजीबो गरीब हरकत करने लगी। मृतक बच्चे को जमीन पर लेटाकर उसके आसपास दुबदानी की गई, जिसे देखकर पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। चमत्कार के आस में करीब 5 बजे से 7 बजे तक अंधविश्वास का झूठा नाटक चलता रहा, लेकिन बच्चा जीवित नहीं हो सका। वहीं कुछ लोग इस अंधविश्वास का विरोध करते नजर आए। पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाना है चाहिए कि जो आदमी मर गया वह जीवित कैसे हो सकता है? है, लोग चांद पर चला गया है, लोग अभी भी गांव घर में जो अंधविश्वास में लोगों को डालमा में डाल रहे हैं, ये तो बहुत शर्मिंदा की बात है, चिंतित की बात है। ये एक कहें जो मर गया वो कैसे जिंदा होगा? तंत्र मंत्र से कहें जिंदा होता है? क्या मांग करते हैं सरकार? सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के चीज के ढोंगी को रोका जाए। पंचायत स्तर पर इसका अभियान चला करके पंचायत स्तर पर जिला प्रशासन को और सरकार को चाहिए मुहिम चला करके इस तरह के ढोंगी आदमी को रोका जाए, नहीं तो लोग अंधविश्वास में हो सकता है कहेगा कि बच्चा जन्म, सुने होंगे कभी कभी कि बच्चा को होने के लिए किसी बच्चे को जान हत्या करवा देता है लोग, ढोंगी लोग। ऐसे नहीं होना चाहिए, यह साफ अंधविश्वास की चीज है ये। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से ही मांग करते हैं कि इसके पंचायत स्तर पर ऐसे ढोंगी लोगों को रोका जाए, जिला प्रशासन को भी चाहिए एक्टिव होकर के इस तरह की चीज को रोका जाए। कई घंटों के नाटक के बाद वही हुआ जो भगवान को मंजूर था। वही मृतक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को जागरूक करने में जुट गई। लोग के अंदर में टिका हुआ है अंधविश्वास पर, लोग पड़ा हुआ है, ओझा तंत्र की कोई आवश्यकता है नहीं। लोग अंधकार में मरे हुए हैं। इसमें जो भी लोग है ओझा तंत्र की यदि जिंदगी को जिलाने का अवतार ऐसी रहता तो जिला नहीं सकता है। और विश्वास में कौन लोग अंधकार में, इसको विश्वास को तो हटा देना चाहिए, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है। क्या करना चाहिए इसको? सब अंधविश्वास अंधविश्वास हटा कर दूर कर देना चाहिए। विश्वास पर विश्वास करना चाहिए, जीवित आदमी पर, मृत्यु पर क्या विश्वास करना है? मृत्यु को कैसे ओझा तांत्रिक।